तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है रोजगार इंडिया की एक नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी की तरफ से आई नई रिक्रूटमेंट के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये रिक्रूटमेंट किन पोस्ट के लिए अपन निकाली गई है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये वैकेंसी जो है दो ब्रांच की तरफ से यहाँ पर निकाली गई है, आप देख सकते हैं। इसमें नंबर वन पर जो है वो है एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच की तरफ से यहाँ पर 31 वैकेंसी निकाली गई हैं, और एजुकेशन ब्रांच की तरफ से यहाँ पर 5 वैकेंसी निकाली गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इसकी अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म 18 अगस्त 2022 से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। इनकी लास्ट डेट 28 अगस्त 2022 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 28 अगस्त 2022 से पहले पहले जल्दी इसमें आवेदन करते हैं। आपको ऑनलाइन ही इसमें आवेदन करना है, दी गई वेबसाइट पर जाकर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस साइट का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अब इसमें आपकी एज की। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए हम यहां पर एज की बात करते हैं तो 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशन ब्रांच की, जिसमें कि 5 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। उनके लिए 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक के जो बीच के कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना देरी करें जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर दें। टोटल वैकेंसी इसकी 36 हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में, जानते हैं आपकी इसमें एजुकेशन क्या मांगी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 के बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके 70% यहाँ पर नंबर मांगे गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, या आपके 50% नंबर यहाँ पे इंग्लिश में मांगे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10th और 12th दोनों क्लासेस में, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। बात करते हैं आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर दिया गया है कि आप इनकी दी गई ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं, विजिट वहाँ से कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको वहाँ पर दी जाएगी, और जो बाकी सारी जानकारी है वो भी आपको इनकी दी गई ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेंगी। इस साइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलते हैं और बात करते हैं वीडियो में, इस नोटिफिकेशन का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। एक बार अप्लाई करने से पहले रीड जरूर कर लें। इसमें आपके यहाँ पर मेरिट लिस्ट लगी हुई है, मेरिट लिस्ट लगेगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर दें बिना देरी करें। जो कैंडिडेट में अप्लाई करेंगे उनके सिलेक्शन के बाद उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, आप देख सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आपको ऑनलाइन इसमें आवेदन करना है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है हाउ टू अप्लाई, दी गई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको इसमें आवेदन करना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एक SSB का यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, उसके लिए आप जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी एक कॉपी निकाल कर रख लीजिएगा, वो आपको बाद में जरूरत पड़ने वाली है। अपने ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कराने होंगे, उनके आपको चेक किया जाएगा, वेरिफिकेशन यहाँ पर होने वाला है, आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। उससे पहले बता दूँ कि जो फॉर्म आप फाइनल सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार उसे रीड जरूर कर लें, यहाँ पर दिया गया है, केयरफुली इनको पढ़ लें। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को भी जरूर रीड कर लें। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है अप्लाई करने में तो दी गई इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपका पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ किसी नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको कोई भी दिक्कत आए तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर से देंगे। तो धन्यवाद।